एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉस्ट फंक्शन हमारा टॉपिक फर्स्ट था, जिसके अंदर हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री किया था। उसके बाद हमने सेकंड टॉपिक रिवेन्यू फंक्शन, जिसमें पार्ट फोर है डेरिवेटिव का रिवेन्यू फंक्शन। उससे पहले कह दिया हुआ टोटल रिवेन्यू फंक्शन, जो हम रिवेन्यू फंक्शन को ही टोटल रिवेन्यू फंक्शन बोलते हैं, उसको एक्चुअल रिवेन्यू भी बोल देते हैं। इसको डिनोट जो करते हैं वो आर ब्रैकेट एक्स, आर और टी आर, तीनों में से कुछ भी बोला जा सकता है इसको। तो टोटल रिवेन्यू बनती कैसे है, वो होती है प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी में प्राइस को पी से, क्वांटिटी को ज़्यादातर एक्स से, या फिर कई बार पी इंटू क्यू भी कर देता है, क्वांटिटी को क्यू भी नोट कर देता है। प्राइस जो है वो रुपीज़ में आएगा, क्वांटिटी जो है वो नंबर ऑफ यूनिट में गिवन होगी, यूनिट्स में नंबर ऑफ यूनिट आपकी एक्स या क्यू में मिलेगी। आर एक्स का जो फॉर्मूला बन गया पी इंटू एक्स या फिर पी इंटू क्यू, रिवेन्यू का फॉर्मूला। डिमांड फंक्शन, ये क्या होता है, प्राइस और डिमांड, इसी को हम प्राइस बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसी को पी से डिनोट करते हैं। वो नाम बदल के देगा, खाली प्राइस नहीं देगा, डिमांड फंक्शन बोल देगा, प्राइस और डिमांड बोल देगा, सबका मतलब पी है। उसके बाद आता है एवरेज रिवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे, ए आर, वहाँ ए सी आता था कॉस्ट में, यहाँ ए आर आता है। तो एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलती है, वही जैसे वहाँ कॉस्ट में करते थे, टोटल रिवेन्यू बटे में नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल रिवेन्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, आर एक्स से, नंबर ऑफ यूनिट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो एवरेज रिवेन्यू को हम प्राइस भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, अभी देखो आर एक्स किससे बना था हमारा, पी इंटू एक्स से, पी इंटू एक्स और डिवाइड में एक्स, एक्स एक्स कट गया तो क्या बन गया, पी। तो एवरेज रिवेन्यू हमारा प्राइस ही होता है। मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू इज एम आर, एम आर कैसे निकलता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रिवेन्यू। अगर हम टोटल रिवेन्यू का डायरेक्टिव कर देंगे तो मार्जिनल रिवेन्यू निकल जाएगा, जैसे टोटल कॉस्ट का करते हैं डायरेक्टिव एमसी के लिए। तो एमआर हमारा डायरेक्टिव टोटल रिवेन्यू था, तो हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, डायरेक्टिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, हम शॉर्ट में डी आर बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टोटल रिवेन्यू मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम हो या मिनिमम, उसका हमें दो बार डायरेक्टिव करना होता है। अच्छा, रिवेन्यू मैक्सिमम क्यों आता है, रिवेन्यू मतलब होता है हमारी सेल, सेल हर कोई चाहता है हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इसलिए रिवेन्यू के टॉपिक में मैक्सिमम आएगा, मिनिमम का केस नहीं आएगा। तो रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू पे आएगा, ना कि एम आर ए आर पे आएगा, कॉस्ट के हिसाब से टॉपिक बनता है रिवेन्यू का, रिवेन्यू के हिसाब से। अब मैक्सिमम करने के लिए कितनी बार करना डायरेक्टिव में, टू बार। तो पहले डायरेक्टिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, आर एक्स, तो जो भी आएगा उसको जीरो के इक्वल, फिर उससे क्या फाइंड होगा, फाइंड यूनिट एक्स की वैल्यू, फिर क्या करना है, डबल डेरिवेटिव किसका, रिवेन्यू का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका आंसर आएगा आपका नेगेटिव, जीरो से छोटा, तो हमारा टोटल रिवेन्यू क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। हम इसको डी आर बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स को हम डी बाई डी एक्स और आर, डी आर बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डबल डेरिवेटिव में भी यही कर सकते हैं, इसको भी हम डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर में लिखा जा सकता है, ऐसे लिखो एक ही बात है। क्वेश्चन वन है रिवेन्यू का, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन फॉर ए मोनोपोलिस्ट इफ द डिमांड फंक्शन इज एक्स इक्वल टू 20 माइनस 10 पी और पी इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाय 10। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस वो कई बार आपको डायरेक्ट पी दे देता है और कई बार बना के नहीं देता, तो एक बार हम बना के देख लेते हैं कैसे आया पी, ठीक है। तो उसके बाद हम मार्जिनल रिवेन्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले पी निकालते हैं इससे, एक्स इक्वल टू था 20 माइनस 10 पी, अगर ऐसा देते तो पहले पी खुद उसमें से फाइंड करना पड़ेगा आपको, तो 10 पी इधर भेज दो, इधर प्लस का हो गया इक्वल टू 20, एक्स का इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा, बिल्कुल अकेला करना है पी, 20 माइनस एक्स अपॉन 10, अलग अलग कर दो, पी इक्वल टू 20 बाई 10 माइनस एक्स बाई 10, ये कट गया तो पी की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स बाई 10। तो ये देखो क्वेश्चन में आपको हो सकता है डायरेक्ट ये भी दे दे, हो सकता है आपको ये दे दे, तो चाहे यहाँ से दे चाहे यहाँ से दे, तो पहले आपको पी बनाना ही पड़ेगा, पी बना बनाए मिल जाए तो बढ़िया है। अब आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, तो रिवेन्यू कैसे बनता है, आर एक्स इक्वल टू, तो आर एक्स होता है रिवेन्यू, कैसे, प्राइस इंटू क्वान्टिटी, तो पी इंटू एक्स, तो हमें प्राइस को एक्स से इंटू करना है, तो रिवेन्यू हो गया पी इंटू एक्स, तो पी था हमारे पास 2 माइनस एक्स बाई 10 इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा,
तो ये बन जाएगा 2x, और इससे इंटू करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो हमारा ये आर एक्स निकल गया रिवेन्यू। अब हमें मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रिवेन्यू के लिए डेरिवेटिव करते हैं आर एक्स का। मार्जिनल रिवेन्यू के लिए एम आर डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, तो इसमें आर एक्स के लिए पुट कर देंगे डेरिवेटिव में, ये थी 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 10। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, 2x का 2 हो गया, x का 1, माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x बाय 10, 2 से कट जाएगा 10, तो आ गया 2 माइनस एक्स बाय 5। तो मार्जिनल रिवेन्यू निकल गया। क्वेश्चन सेकंड है रिवेन्यू का, द टोटल रिवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय, रिवेन्यू दे रखा है Rx 40x माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड करना है आपको द एवरेज रिवेन्यू फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में मार्जिनल रिवेन्यू, थर्ड पार्ट में द मार्जिनल वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 6, और फोर्थ पार्ट में द एक्चुअल रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सेवंथ यूनिट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिवेन्यू लेकर के एवरेज रिवेन्यू निकालना है। आंसर फर्स्ट ए आर बोलते हैं इसको, ए आर का फॉर्मूला था आर एक्स डिवाइड बाय एक्स, ए आर हो गया आर एक्स डिवाइड बाय, तो आर एक्स हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स, इसको कॉमन निकाल लेते हैं x, तो ए आर इक्वल टू x कॉमन, इधर 40 बचा माइनस एक एक्स बचा x, x कैंसिल आउट, तो ए आर आ गया 40 माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट में मार्जिनल वैल्यू निकालना है, मार्जिनल वैल्यू के लिए क्या करना था, एम आर डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ आर एक्स, तो डी बाई डी एक्स आर एक्स हमारे पास क्या था, 40 एक्स माइनस एक्स पर इसका डेरिवेटिव कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव करने पे आएगा 40 ऐसी रहेगा एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर एक कम हो जाती है, 40 माइनस 2x आ गया। थर्ड पार्ट में कहा था मार्जिनल रिवेन्यू की यूनिट कितनी दे रखी है एक्स, 6, मार्जिनल रिवेन्यू में एक्स की जगह पुट कर देंगे 6, तो 40 माइनस 2 इंटू 6 इक्वल टू 40 माइनस 12, आंसर आ गया 28। तो मार्जिनल रिवेन्यू की 6 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 28। लास्ट पार्ट है फोर्थ, द एक्चुअल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ सेवन यूनिट, सेवन एक ही यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो उसके लिए बताया था 7 यूनिट पुट करनी है आपको। एक्चुअल रिवेन्यू, एक्चुअल रिवेन्यू क्या, एवरेज रिवेन्यू नहीं, शॉर्ट में अगर देखो तो आपको ए आर लगेगा, ये एक्चुअल रिवेन्यू मीन्स टोटल रिवेन्यू, ये रहा टोटल रिवेन्यू फंक्शन क्या था, एक्चुअल रिवेन्यू, इसको हम आर एक्स बोलते हैं ना कि ए आर। तो टोटल रिवेन्यू हम क्या पुट कर देंगे एक बार, 7, और उसमें माइनस कर देंगे 6 यूनिट पुट करके, एक बार रिवेन्यू में 7 पुट करना है, एक बार 6, तो रिवेन्यू था हमारे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 40x की जगह 7 माइनस 7 स्क्वायर ब्रैकेट 40, एक बार x की जगह 6 माइनस 6 स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 280 माइनस ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 36, 280 में से 49 गया तो 31, और 240 में से 36 गया तो 204, और 231 में से 204 गया तो 27, तो सेल ऑफ सेवन यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 27, कंप्लीट है।